हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दी चैप्टर नंबर 8। एंड फर्स्ट थिंग, दिस वीडियो इज़ फॉर 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी दी चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के ऊपर मैम ने एक और वीडियो डाला था जिसमें मैम ने व्हाइट बोर्ड में पढ़ा दिया है। ये पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट वहाँ पे कंप्लीट है, लेकिन एक बार हम इसे आपके बुक के अकॉर्डिंग, इसको हम एक एक पेज के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, क्योंकि व्हाइट बोर्ड में सारे टॉपिक्स क्लियर हैं बट कुछ कन्फ्यूज़न ना रह जाए। तो हम अभी बुक के साथ एक एक पेजेस के साथ एक एक चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो आप सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए और साथ में पेंसिल ज़रूर निकाल लीजिए, जैसा कि मैम आपको बता चुकी हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इस वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर दी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स एंड फॉर दी फ्यूचर। सो आप लोग रखिए इसको, इसके सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख करके रखिए, और मे बी मैं क्लास टेस्ट लूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, एक बार समझ में ना आए दो बार देखें, बट अगर मैं क्लास टेस्ट लूँगी नेक्स्ट वीक में तो मुझे सबके अच्छे मार्क्स चाहिए। और चैप्टर बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपसे बार 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 पूछी जाती है। तो आपको एक काम ये करना है कि जो मैंने आपकी साइंस की एक छोटी सी कॉपी बनवाई है जिसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, वहाँ पर इस चैप्टर के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है, जिससे जब आप हायर क्लासेस में जाएं तो छोटी छोटी चीज़ें आपको अभी से क्लियर हो। नाउ आ जाइए, बुक ओपन कर लीजिए अपनी। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आप सबको पता है कैसे पढ़ना है, मोबाइल थोड़ा सा अपने डिस्टेंस में रख करके पेंसिल निकाल लीजिए, और मैम जैसे जैसे रीड करते जा रहे हैं आप वैसे वैसे अपनी बुक में देखते हुए चीज़ों को समझते जाइए, ठीक है। जो भी कन्फ्यूज़न होगी वो क्लास में क्लियर हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूज़न होगी क्योंकि ऑलरेडी हाफ ऑफ द चैप्टर जो है वो डिस्कस हो चुका है क्लास में, अभी थोड़ा सा डिस्कशन बस बचा हुआ है। बॉयज़ सेक्शन में सेक्शन बी एंड सी इस चैप्टर का हाफ डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी, फिर भी आज हम एक बार शुरुआत से देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। एक रिवीजन भी हो जाएगा बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैम ने पहले ही आपको बता दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना चैप्टर, डिस्कस करते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इसके पहले मैम ने अपने चैनल पे, साइंस के चैनल पे आपको एक वीडियो दी है, वो आप ज़रूर देख लीजिए जाकर के सारे बच्चे, ठीक है। सेल्स के ऊपर है और वहाँ पे मैम ने वाइट बोर्ड में सारी चीज़ें समझा रखी है विद स्ट्रक्चर। तो ये यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ सेल, कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल ऑर्गेनेल्स। तो बॉयज़ सेक्शन में बी एंड सी में कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स तक हो चुका है, बट फिर भी इसे एक बार समझ लीजिए जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से आ जाएँ, क्योंकि मैं क्लास टेस्ट लूँगी नेक्स्ट वीक और आप लोग के मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, सारे तीनों सेक्शन में लूँगी 8th के। नाउ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, इसके बारे में तो बात हुई थी दोनों सेक्शन में, तीनों सेक्शन में इवन, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, और हनीकॉम का स्ट्रक्चर भी होता है। सेल्स को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कैसे दिखेंगे, वो कुछ ऐसे इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। हनीकॉम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है, ये मैम ने आपको बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में समझाया भी है। सेल्स को आप जब देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो कुछ ऐसे करके ऐसे ही कंपार्टमेंट वाइज दिखेंगे वो, यहाँ पे आपका इमेज भी दिया है, माइक्रोस्कोपिक इमेज ऑफ सेल। तो मैम ने एक एग्जांपल भी दिया था आप लोग की क्लास में कि अनियन का पील, अनियन को जब आप देखेंगे, अनियन को कट करेंगे उसमें पतली सी एक ट्रांसपेरेंट लेयर निकलती है, उसको जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ ऐसी नज़र आएगी, तो वो अनियन के सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हमने फंक्शन ऑफ सेल डिस्कस किया था। फंक्शन ऑफ सेल क्या है? इट हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू ग्रो एंड सर्वाइव, ठीक है। तो एक छोटा सा 2 साल का बच्चा होता है, फिर वो 10 साल का हो जाता है, उसकी बॉडी इंक्रीज होती है, उसकी हाइट बढ़ जाती है, उसकी हेल्थ बढ़ जाती है, उसका वेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म को ये ग्रो करता है, सर्वाइव करता है, इवन हमारी डेड सेल जो होती हैं वो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बन के बाहर हो जाती हैं और न्यू सेल्स लगातार बनती रहती हैं हमारी बॉडी के अंदर। सेकेंड पॉइंट है, इट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ अ बॉडी, एग्जाम्पल रेस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, सारे फंक्शन परफॉर्म करता है सेल, लाइक एक जगह से, लाइक हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, ये ब्रेन के सेल हैं,
ये हमारे स्टमक के सेल है। हमें भूख लगी है तो हमारा जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं ब्रेन तक पहुंचाने का भी काम ये लोग करते हैं। सेल्स हमारे बहुत हेल्पिंग नेचर है, हमारी बॉडी जो सही फंक्शन कर रही है कहीं ना कहीं उसमें सेल का बहुत बड़ा रोल आता है। नौ, यहाँ पे हमने एक चीज़ डिस्कस की थी जो वीडियो में मैंने बताया था, 1838 टू जर्मन साइंटिस्ट मैथियास स्लाइडेन एंड थियोडोर श्वान पुट फॉरवर्ड द सेल थ्योरी ऑफ लाइफ। तो वहाँ वीडियो में मैंने 1839 बता रखा है। 1839 इसलिए है कि 1838 में इन्होंने ये वीडियो दी थी, बताया था, ये इस थ्योरी को बता रखा था, पर 1839 में ये थ्योरी रजिस्टर्ड हुई थी हमारे इंडिया में और वर्ल्ड में बोल सकते हैं। ठीक है, द मेन पॉइंट्स ऑफ द सेल थ्योरी क्या था इनकी थ्योरी आप जान सकते हैं। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने आज से इतने सालों पहले ये बात कह दी है और इस बात के बेसिस पे ही हम आज साइंस पढ़ते हैं और सेल्स को मानते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितनी भी लिविंग थिंग है वो किससे बनी हुई हैं, सेल से बनी हुई हैं, ये इन्होंने यहाँ पे कह दिया और हमने मानना शुरू कर दिया क्योंकि इन्होंने विथ प्रूफ एक्सपेरिमेंट के साथ ऐसा कहा। सेकेंड पॉइंट ये है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन। तो एक बात कही थी मैंने आपको कि एक छोटा सा जो बच्चा होता है जब मम्मी के अपने वूम में होता है, पेट में होता है, तो वो सिंगल सेल होता है, फिर बहुत सारी सेल ज्वाइन करके उसकी एक बॉडी स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, फिर वो बॉडी में धीरे 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 हैंड आते हैं, हैंड डेवलप होते हैं, लेग डेवलप होता है, अदर अदर बॉडी का पार्ट डेवलप होता है। वो क्यों होता है, एक सेल डिवाइड करके बहुत सारी सेल बनाते हैं, हज़ारों सेल, लाखों सेल, तब जाके एक पूरी बॉडी बन पाती है। ऑल सेल आर सिमिलर इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बट आर नॉट आइडेंटिकल एंड डिफरेंट साइज एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, सारे सेल सिमिलर होते हैं। नाउ इसके बाद हम यहाँ पे एनिमल एंड सेल, प्लांट सेल के बारे में डिफरेंस में हमने वहाँ वीडियो में विद डायग्राम भी डिस्कस किया हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ पे डिस्कस करना बहुत इजी है। अपना साइज ऑफ प्लांट सेल इज़ लार्जर देन एनिमल सेल, प्लांट सेल एनिमल सेल से बड़ा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डिफरेंस आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मैम एग्जाम में दे देंगी अगर आपका स्कूल में रिटर्न में एग्जाम होगा, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, द साइज ऑफ एनिमल सेल छोटा होता है। ठीक है, सेकेंड है, अ प्लांट सेल इज इनक्लोज बाय अ सेल वॉल एंड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैम ने आपको उस वीडियो में बता रखा है कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पर अगर यहाँ एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होती है और ये थिक होती है, ये थोड़ी सी थिन होती है। नाउ थर्ड पॉइंट, दी सेल कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन दैम। इसमें इस सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो इसका शेल्फ मेंटेनेंस में हेल्प करता है। ठीक है, शेप मेंटेनेंस में हेल्प करता है। और एनिमल सेल में बहुत ही स्मॉल वैक्यूल होता है, एक तरह से नेग्लिजिबल है वो, मतलब उस पर ध्यान नहीं देते, वैक्यूल नहीं कहते हैं, एक स्मॉल कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल हैज़ अ फिक्स शेप दैट इज रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, एक फिक्स शेप है, पर एनिमल सेल का फिक्स शेप नहीं होता, इरेगुलर शेप होता है, वो डिपेंड करता है कौन सी सेल है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। नाउ यहाँ पे हमने देखा अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फ्रॉम टिश्यू, सो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो हर जो सेल होती है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है हमारी बॉडी में। ठीक है, क्या क्या फंक्शन है, लाइक नर्व सेल, नर्व टिश्यू एंड कनेक्टेड टिश्यू, ब्रेन ऑर्गन, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्व सेल जो होती है वो नर्व सेल और कनेक्टिव टिश्यू होती है, फिर उसके बाद ब्रेन से जाके कनेक्ट होती है, फिर नर्वस सिस्टम में पूरे कनेक्शन होता है उनका और वैसे वैसे वो फंक्शन करते हैं। और आप सब जानते हैं हमारे ब्रेन का क्या फंक्शन है, हमारे बॉडी को या हमारे हार्ट को प्रॉपर तरीके से फंक्शन कराना, ऑर्डर्स देते रहना। ठीक है, कुछ चीज़ें हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग होती है, हम सोच करके भी कुछ चीज़ें लिखते हैं तो वहाँ पे हमारा ब्रेन वर्क करता है। नाउ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब मल्टीसेलुलर का क्या मतलब होता है, मल्टीसेलुलर जैसे हम ह्यूमन बींग्स क्या है, हम ह्यूमन बींग्स मल्टीसेलुलर कहलाएंगे, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। और जिनको एक बार में मल्टीसेलुलर की मीनिंग नहीं पता होती है वो हिंदी में यहाँ लिख ले, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। दीज आर देयर आर डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पायरेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस सिस्टम, ये सारे बहुत सारे सेल से बने होते हैं और हम ह्यूमन बींग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो मल्टीसेलुलर का सारा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो सारा सिस्टम होता है, लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सबका अपना अलग अलग फंक्शन है। ऐसा थोड़ी है ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हमारा खाना डाइजेस्ट कर रहा है तो हमारा हार्ट भी खाना डाइजेस्ट में हेल्प कर रहा है। नो, हमारा हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन
एंड ब्लड पंपिंग में हेल्प कर रहा है, और सेम बात अगर मैं करूँ हमारा डाइजेशन सिस्टम हमारा फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप फुल ग्रोन ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट 100 ट्रिलियन सेल्स। कितनी सेल्स है हमारे पास? 100 ट्रिलियन, बहुत सारी सेल्स है, क्योंकि बहुत सेल्स बहुत ही छोटी 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 होती है जो हमें किसमें दिखती है, माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखती है। इतना ईजी नहीं है इसे विजिबल कर पाना, इसके सारे पार्ट्स देख पाना इवन इन माइक्रोस्कोप। तो आप सबको पता है कि सबसे लार्जेस्ट सेल अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात की जाए तो वो ऑस्ट्रिच एग है, लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो वो वीडियो में बता रखा है, और आप लोग जब तक उस वीडियो को नहीं देखेंगे ये आपको क्लियर नहीं होगा। और अगर क्लियर है तो आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है। नाउ यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दिया हुआ है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस डिफरेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, मैम ने बता दिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे देख सकते हैं आप ह्यूमन बीइंग है, और यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या है, अमीबा पैरामीशियम। अमीबा के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, आपने 7th क्लास में भी पढ़ा है और 8th क्लास में भी मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को। तो आप लोग का नेक्स्ट वीक क्लास में मैं टेस्ट लूँगी, एक क्लास टेस्ट ज़रूर होगा आप लोगों का। तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, दो बार देखिए, अपने चैप्टर को रीड करिए। मैं देखना चाहती हूँ आप लोग का मार्क्स कैसा है और आप लोग रिटर्न में कैसे हो, ठीक है? तो वी रेडी फॉर दी टेस्ट, क्लास टेस्ट। नाउ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यही बात है, सिंगल सेल से बने होते हैं और ये न्यूमरस सेल से बने होते हैं। अ सिंगल सेल कैरीज आउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है? इसमें क्या है, अमीबा एक सेल से बना हुआ है और इसी में सारी की पूरी इसकी लाइफ गुजर जाती है, इसी में सारे प्रोसेस हो जाते हैं। पर अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए हमारा, जैसे ह्यूमन बींग के अंदर, तो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं, जस्ट लाइक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ें अलग अलग सेल से, और सबके अलग अलग फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन होते हैं सबके, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बस आप लोग को समझना है, और जिसने समझ लिया उसने सब कुछ कर लिया, और जिसको समझ में नहीं आया, जिसने रट करके एग्जाम में मार्क्स लाए उसका कोई मतलब नहीं होता। थर्ड पॉइंट है, एन इंजरी टू द सेल कैन कॉज डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे अमीबा के साथ क्या है, अगर इसके सेल को इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो इसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि इसके पास तो सिंगल सेल है। लेकिन हमारे पास क्या, इंजरी और डेथ ऑफ सम सेल डज नॉट अफेक्ट द, अगर एक सेल को कुछ होता है तो यहाँ पे लाखों करोड़ों सेल हैं उनको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक सेल को अगर कुछ होगा, हम थोड़े दिन अगर बीमार भी होते हैं, अगर मेन सेल्स को कुछ होता है तो थोड़े दिन बाद हम सही भी हो जाते हैं। तो एग्जांपल क्या है, ह्यूमन बीइंग और रिप्लेस बाय, हमारी बॉडी खुद इतनी एबल है कि हमारे जो सेल्स हैं इफेक्टेड हैं या बीमार हैं उनको खुद रिप्लेस कर सके, ठीक है? हमारी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, गॉड ने इसे ऐसे बना रखा है कि हम सारी चीज़ों से लड़ सके, फाइट कर सके। तो ये है हमारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इधर है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर एग्जाम का एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग, एंड यूनिसेलुलर का एग्जांपल है अमीबा। तो इसको हमने समझ लिया अच्छे से, बढ़िया से। आप लोग दो बार वीडियो देख लीजिए, पर आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जब मैं क्लास में क्वेश्चन करूँ तो मुझे ब्लैंक फेसेस नहीं चाहिए, मुझे ऐसा फेस नहीं चाहिए कि मैम मुझे नहीं आता, मैंने वीडियो नहीं देखा था, ठीक है? नाउ शेप ऑफ सेल्स के बारे में देखेंगे, शेप ऑफ सेल कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। आप लोग बचपन से अलग अलग सेल के पढ़ते आ रहे हैं, लाइक कोई राउंडेड होता है, स्फेरिकल होता है, ओवल होता है, एलोंगेटेड, ट्यूबलर, सिलेंड्रिकल, इरेगुलर, ठीक है? तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, गार्ड सेल इन द लीव्स ऑफ प्लांट आर किडनी शेप्ड। आप सबने देखा है जो स्टोमेटा की ओपनिंग होती है, ऐसा ऐसा करके होता है। 7th क्लास में आपने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा, ठीक है? ऐसा होता है, किडनी शेप सेल होते हैं, इसमें क्या होता है, स्टोमेटा ओपनिंग होती है, दे आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा प्रिवेंट वाटर लॉस, ठीक है? फिर अगर ये हो गई प्लांट सेल के बारे में बात, फिर सेकेंड हमारा नर्व सेल। नर्व सेल किस में होता है, ह्यूमन बीइंग में होता है। नर्व सेल आर क्वाइट लॉन्ग एंड ब्रांच एट देयर एंड्स, ठीक है? ये कैसी होती है, ब्रांच जो होती है, नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेजेस। मैसेजेस हमारे ट्रांसफर होते हैं, लाइक अगर आपके पैरों में दर्द हो रहा है, आपके लेग में पेन है, तो आपके ब्रेन तक मैसेज ऐसे ही जाता है, नर्व सेल के थ्रू जाता है कि इस हिस्से में आपके पेन है। फिर आपका ब्रेन आपको कहता है कि आपके इस हिस्से में पेन है, आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा नर्व सेल, आपके बुक में खुद ही दिया हुआ है डायग्राम, हमारा नर्व सेल यहाँ कैसा दिख रहा है। आप सब अपनी बुक खोल के बैठेंगे, यहाँ नर्व सेल हमारा कैसा देख सकते हैं, पूरा एक दूसरे से कनेक्ट है, और कहीं ना कहीं ये देखिए ये जो लाइट अप है चीज़ें, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शाइनी एरिया है, वो मैसेज ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है? फिर उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, मसल सेल्स आर स्पिंडल शेप। जो हमारी मसल की शेप्ड है वो स्पिंडल शेप में, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्पिंडल शेप मसल सेल्स, ठीक है? फिर उसके बाद है हमारा WBC, वाइट ब्लड सेल।
हमारे ब्लड के अंदर होता है, हमारा ब्लड लिक्विड है और लिक्विड के अंदर हमारा WBC क्या होता है, एक तरह से हिंदी में अगर मैं समझाऊँ घुला होता है, जैसे चीनी पानी के अंदर घुल जाता है ना, चीनी को अगर हम जब शरबत बनाते हैं पानी के अंदर चम्मच से ऐसे घोलते हैं तो पूरा चीनी क्या होता है पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, वैसे ही WBC वगैरह हमारे ब्लड में डिजॉल्व है। WBC RBC इनका भी अपना एक शेप है, लेकिन जब हम इनको सेपरेट करते हैं इन लैब्स, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे और लैब साइंस लैब में जाएंगे वहाँ पे सेपरेशन होता है, तो हम WBC को सेपरेट कर सकते हैं, RBC को सेपरेट कर सकते हैं, उसके अलग अलग प्रोसेस हैं। तो इनका शेप अलग होता है, WBC आर एमोवॉइड एंड हैव प्रोजेक्शन, इट चेंजेस इट शेप एंड मूव्स लाइक अमीबा। ठीक है, WBC के पास अपनी एक पावर होती है अपना शेप चेंज करने की। नाउ नेक्स्ट है अमीबा। अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, जब इसको खाना खाना होता है तो अपना शेप चेंज कर लेता है ना, ये सब तो आपने 7th क्लास में पढ़ा ही है। फिर रेड ब्लड सेल RBC भी हमारे ब्लड के अंदर होता है, मैंने कहा ना जैसे शुगर होता है पानी के अंदर, वैसे ही क्योंकि हमारा ब्लड डार्क रेड कलर है तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन जब हम सेपरेट करते हैं बड़े बड़े लैब्स में तो हमें RBC WBC सेपरेटली दिखता है। आर स्फेरिकल इन ह्यूमन एंड देयर राउंड शेप हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया एब्जॉर्बिंग मोर ऑक्सीजन। ठीक है, तो रेड बीसी हमारे बॉडी के पूरे हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं, और इनका जो शेप है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेके एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने में मदद करता है। नाउ स्किन सेल हैव फ्लैट टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड कवर द होल बॉडी। स्किन के सेल कैसी होती है हमारी, यहाँ पे आपकी इमेज में नहीं दिया, फ्लैट होती है जिससे पूरी बॉडी कवर कर सके। स्पर्म सेल हैव टेल टू हेल्प देम स्विम। नाउ ज़ाइलम, ज़ाइलम किस में होता है, प्लांट्स में होता है। ज़ाइलम सेम हैव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर टू कैरी वाटर एंड मिनरल्स। ज़ाइलम किस में होता है, प्लांट्स में होता है, जो पेड़ों को क्या देता है, वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है ज़ाइलम सेल, क्योंकि एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट होती है, तो पेड़ के नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक पूरे हिस्से में ज़ाइलम सेल है, और इसका काम क्या है, वाटर एंड मिनरल्स को पहुँचाना। नाउ रूट हेयर्स सेल्स आर इलोंगेटेड टू सर्च एंड ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, इलोंगेटेड होते हैं रूट हेयर्स, तो यहाँ पे बेसिकली आपका सेल दिया हुआ है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है आप लोगों को, क्या कि हर सेल का अपना अपना एक स्ट्रक्चर है और एक फंक्शन है, सबका अपना अलग फंक्शन है। चीक सेल है यहाँ पे, ठीक है, मसल सेल्स दिखा रखी, नर्व सेल दिखा सकती है, और गार्ड सेल जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। सो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है ये बहुत सिंपल हमने क्लास में भी डिस्कस कर लिया, हमने पुरानी वीडियो जो मैम ने एक और सेल के ऊपर डाल रखी है वाइट बोर्ड के साथ एक क्लास के लिए, उसमें भी डिस्कस किया था कि प्लांट सेल कैसा होता है, एनिमल सेल कैसा होता है, तो इसको आप रीड कर लेंगे ये आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसे आप रीड करिए, नहीं आता तो मैम कल वाले वीडियो में इसे बता देंगे। तो यहाँ पे ये दो स्ट्रक्चर आ गए, हमारा पहला है एनिमल सेल का, इसको मैम ने 8B और 8C में डिस्कस भी किया है, और जो कि सिंपल एनिमल सेल कैसा होता है यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा राउंड शेप का होता है। ठीक है, और दो चीज़ें मैम ने जो वीडियो में बता रखी थी, यूकेरियोट्स एंड प्रोकेरियोट्स, ह्यूमन बींग किसके अंदर आते हैं, यूकेरियोट्स के अंदर आते हैं, तो आप लोग पुरानी वीडियो को ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे देखिए कैसा सेल है हमारा, सेल बिल्कुल ऐसा होता है, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये शेप होता है उसका, बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ये क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जैसे कि घर के चारों तरफ दीवार होती है वैसे एक वॉल है, जिससे अंदर की जो चीज़ें हैं, अंदर के जो ऑर्गेनेल्स है वो सेफ रह सके, सुरक्षित रह सके। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो जेली लाइक फ्लूइड है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, लाइसोजोम है जो वेस्ट मटेरियल को हमारे सेल से बाहर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, गोल्गी बॉडीज, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब के बारे में मैम ने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, एक एक बात को बताते हुए कैसे कौन सा चीज़ें क्या हेल्प करती है। तो गोल्गी बॉडीज़ क्या करती है, हमारी जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसे बाइंड अप करती हैं। तो आपकी बुक में क्या है उसके बेसिस में हम डिस्कस करेंगे आगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ एनिमल सेल, ये सब दोनों चीज़ें आप प्लांट सेल एनिमल सेल आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, मैम ने आपको क्लास में भी बोल रखा है। ठीक है, एनिमल सेल कैसा दिखता है, थोड़ा सा ये हमारे एनिमल सेल कैसा दिखता है ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। प्लांट सेल कैसा दिखता है, ये एनिमल सेल से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके पास सेल वॉल होते हैं इसलिए थोड़ा सा मजबूत होता है, इसमें देख सकते हैं ये वैक्यूल वाला हिस्सा है जो इसके शेप को मेंटेन करने में इसकी हेल्प करता है। न्यूक्लियस इसके पास भी है, कुछ चीज़ें हैं जो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में कॉमन है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग हैं, दोनों में नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस के बेसिस में मैम ने पुरानी वीडियोज़ में बता रखा है, आप लोग वहाँ पर जाके वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है, आपका एक वीडियो मैम ने ऑलरेडी अपलोड किया और जिन बच्चों ने देखा है मुझे पता है उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं ना। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं एन इंटरेस्टिंग फैक्ट।
तो सबको पता है अमीबा अपना खाना खाने के लिए सीडोपोडिया से खाना खाता है, वो अपना शेप चेंज करता है, चेंजिंग इट्स शेप द प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया ऑफ वेरिंग लेंथ एंड प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी अपियर एंड डिसअपियर एज इट मूव्स ऑन फीट दे चेंज इन शेप इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया विच फैसिलेट मूवमेंट ऑफ एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। सेवन्थ क्लास के सेकेंड चैप्टर में अमीबा के बारे में दिया है। अमीबा का शेप कुछ ऐसा 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 होता है, जब इन लोगों को खाना खाना होता है तो क्या करते हैं ये सीडोपोडिया जो इनकी फॉल्स फीट कहलाते हैं वो क्या करती हैं कुछ ऐसा सा शेप बना लेती है ना, और ये जो अपना खाना होता है यहाँ पे थोड़े से दूर पे उसको खाने के लिए फॉल्स एक अपना हम कहते हैं ना हम खाना खाने के लिए क्या करते हैं अपना माउथ को ओपन करते हैं, तो ये भी कुछ ऐसा सी शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फिर धीरे धीरे अपने खाने को अपने अंदर ले लेते हैं, ऐसे ही इनका खाना इनके पास आ जाता है और फिर स्लाइटली ये धीरे से अपने खाने को अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं इनका जो लाइफ टाइम है ये अपना शेप चेंज करते रहते हैं खाना खाने के लिए। ठीक है, दाऊ अगर WBC की बात किया जाए ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, WBC वाइट ब्लड सेल, WBC का फुल फॉर्म क्या है वाइट ब्लड सेल लिख लीजिएगा, WBC का फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल एंड RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल। ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में शेप चेंज करते रहते हैं, WBC का हमेशा शेप चेंज होता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। तो यहाँ पे लिखा है वाइट ब्लड सेल ऑफ अवर बॉडी इज ऑल्सो अ सिंगल सेल विच लुक्स लाइक अमीबा, अमीबा की तरह दिखता है काफ़ी हद तक। इट कैन ऑल्सो चेंज इट्स शेप बट WBC इज अ सेल वाइल अमीबा इज अ फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो WBC क्या है, एक सेल है, वो हमारी बॉडी के अलावा अगर उसे अलग एकदम कर देंगे तो वो अकेले नहीं जिंदा रह पाएगा, लेकिन वही अगर अमीबा की बात की जाए तो वो अकेले इंडिपेंडेंट है, आप सबको पता है, क्योंकि अमीबा यूनिसेलुलर और WBC क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। नाउ यहाँ पे एक कुछ डाटा दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट सेल में भी स्मॉल एज 0.1 to 0.15 माइक्रोन्स एंड द लॉन्गेस्ट सेल में भी अब 1 meter लॉन्ग। तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल, जो मैम ने आपको पहले बता दिया है स्मॉलेस्ट सेल कौन है माइकोप्लाज्म है एंड लार्जेस्ट सेल क्या है ऑस्ट्रिच है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन हमारी बॉडी में क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैम को बताएंगे। और स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में तो मैम ने पुरानी वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो वहाँ पर जाइए चैनल पर और पुरानी वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए। नाउ बैक्टीरिया लेस देन 10 micrometer, बैक्टीरिया का शेप बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। एनिमल सेल कैसा होता है 1000 to 2000 क्यूबिक माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया से थोड़ा बड़ा है। RBC 9 mm, ऑस्ट्रिच एग 130 to 160 mm। ठीक है, जब 130 to 160 mm होता है ऑस्ट्रिच एग का। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन्स, तो सिंपल सी बात है अगर ह्यूमन बींग की बात करें तो हमारे पास कितने सारे ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, लीवर है, पेनक्रियाज है उसमें, उसके बाद हमारा हार्ट है, रेस्पायरेटरी सिस्टम है, अलग अलग ऑर्गन्स है और सबका अलग अलग फंक्शन है। डाइजेस्टिव सिस्टम खाना डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, हमारा जो हार्ट है वो ब्लड पम्प करने में काम करता है, तो सबका अपना अपना फंक्शन है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन एसिमिलेशन एंड अब्सॉर्प्शन। तो ये सारी चीज़ें तो आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट पेज में चलिए, पेज नंबर 80। यहाँ पे आपको एक डायग्राम एक फ्लो चार्ट दिया है, ऐसा फ्लो चार्ट कहते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, हमारी जो मसल्स होती है जब हम वॉक करते हैं तेज़ तेज़ बैठते हैं कॉन्ट्रैक्ट करती है रिलैक्स हो जाती है हमारे सोने के टाइम पे। हार्ट मसल्स टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली फॉर अ लाइफ टाइम। ठीक है, हमारी हार्ट मसल्स कैसी होती है, ब्लड को बाहर जब पंप करती है तो क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, और जब ब्लड को अंदर फ्लो करती है तो क्या होती है एक्सपेंड हो जाती है, मतलब उसमें ज़्यादा स्पेस हो जाता है, और फिर वो जब कॉन्ट्रैक्ट होती है उसका ब्लड जब बाहर फ्लो होता है। हार्ट पम्प्स ब्लड विद सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आपको पता है हमारे अगर पैरों में भी अगर चोट लग जाती है तो वहाँ से ब्लड ही निकलता है, अगर हाथ में चोट लग जाती है तो वहाँ से भी ब्लड ही निकलता है, ऐसा तो नहीं है कि व्हाइट कलर का लिक्विड निकलने लगता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो हार्ट है वो हमारी पूरी बॉडी में होल बॉडी में सर से लेकर पाँव तक ब्लड ही ट्रांसफ़र कर रहा है, ब्लड ही हमारा सर्कुलेट कर रहा है हमारी बॉडी में, इसलिए
हम यहाँ पे कह सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ दी बॉडी। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या करता है, ब्लड को ट्रांसफ़र करता है पूरे हमारी बॉडी के पार्ट्स में। फिर यहाँ पे आता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ दी सेल। तो स्ट्रक्चर ऑफ दी सेल में यहाँ पे बताया है कि क्या बताया, सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है, साइटोप्लाज्मा का क्या काम है, राइबोसोम्स का क्या काम है। तो आप लोग क्या करिए, चैनल पर जाइए, अपने साइंस चैनल पर जाइए और इस चैप्टर को जब आप इसका पार्ट फर्स्ट वीडियो देखेंगे जो मैम ने आपको व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रखा है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इस चैप्टर को मंडे तक आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, आप लोग का एक क्लास टेस्ट मैं लेने वाली हूँ बहुत ही जल्द चैप्टर नंबर 8 की, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग पुरानी वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए, और जिन बच्चों को नहीं पता है उनका साइंस का चैनल कहाँ है, कैसा दिखता है, तो उनको मैं अभी वीडियो में बता दे रही हूँ। आपको अपने यूट्यूब में जाना है, आपने अपना यूट्यूब ओपन किया, यूट्यूब के ओपन करने के बाद आपको अपने साइंस का चैनल डालना है। क्या है आपके साइंस का नाम, बायोलॉजी का कीड़ा कोमल, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका साइंस चैनल नाम आ गया है, इसको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मैम जो वीडियो आपको देती है वो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा स्टडीज़ के वीडियो का। आप जैसे इसके अंदर जाओगे, ये आप देख रहे हो यहाँ पे एक वीडियो सेक्शन है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हैं, मैम चैप्टर नंबर फर्स्ट मुझे कंप्लीट करना है तो कैसे करें। इस वीडियो सेक्शन में आपको क्या करना है, क्लिक करना है। आपने क्लिक किया तो आप वीडियो सेक्शन में आ जाओगे। फिर यहाँ पे देखोगे मैम ने कल एक हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ टिप्स दिया था। फिर उसके बाद अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए व्हाइट बोर्ड में मैम ने बता रखा है साइंस 8 स्टैंडर्ड चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बाय कोमल मैम। तो इसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो सारी चीज़ें मैम ने एक्सप्लेन की, इसको देखिए, आज की वीडियो देखिए और सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर और नीचे जाएंगे आपको अगर पुराने वीडियोज़ अपने 8 क्लास के करने हैं तो यहाँ पे देखिए पुराने वीडियोज़ एडेड हैं। और नीचे जाएंगे और पुराने वीडियोस आपको मिलते जाएंगे जो जितना भी मैम ने अभी तक 6 मंथ में 7 मंथ में पढ़ा रखा है। तो आप लोग ऐसे करके अपना वर्क कंप्लीट करिए, और कंप्लीट करने के बाद आप लोग इस चैप्टर को समझ लीजिए और आप लोग का क्लास टेस्ट बहुत जल्दी होगा। सो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।